जैसे मैंने सुना है कि अगर जो है जिसका परवरिश हराम पैसे से हुई हो या हराम कमाई से मतलब हुआ हो तो जो उसका यानी उसका जो है गोश्त जहन्नम के आग में जलेंगे। तो क्या अगर हमारे परवरिश हराम पैसे से हुई हो या हो रही हो तो क्या हमें भी जलना होगा आग में? जी सर, देखिए थोड़ा सा आपके सवाल में थोड़ी आधी बातें सही हैं, आधी बातें सही नहीं हैं। हदीस के अंदर जो है कि अगर अपने आप को आपने हराम खिलाया है, अपनी परवरिश आपने हराम से की है, फहुआ अवला बिन नार, इस तरह के हदीस के अल्फाज हैं, तो आपका जिस्म जहन्नम का ज्यादा हकदार है। लेकिन मान लीजिए कोई माँ बाप है, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, अब उसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो छोटे हैं, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, तो जो माँ बाप ने किया है उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलेगी। जी जब बच्चे बड़े हो जाएं और बच्चे खुद हराम खाएं तब उसकी सजा उन्हें मिलेगी। तो परवरिश अगर कोई दूसरा आपकी किया है हराम से तो आपका कसूर नहीं है, ये वईद आपके लिए नहीं है। ये वईद आपके लिए उस वक्त है जब आप हराम कमाएं और हराम खाएं। लेकिन जब आप बच्चे थे, आपकी परवरिश अगर किसी ने हराम से किया, तो जो जिस शख्स ने हराम से परवरिश किया है सजा उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। जी जी शेख, जी शेख, जैसे अब हम बड़े हो गए, हम अभी कमा भी सकते हैं, लेकिन माँ बाप अगर जो है हराम पैसे खिला रहे हैं तो क्या हमें खाना चाहिए या खुद तो कमा कर नहीं, या खिला लेते हैं? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। अगर आपके माँ बाप आपको पता है कि हराम खिला रहे हैं या उनकी कमाई हराम है, तो आप मना कर दीजिए कि हमें इसे नहीं खाना है, आप खुद कमा करके खाइए, हलाल कमा करके खाइए।